अज 29 मई दिन एतवार नूं CPI दे वर्करां ने लुधियाने दे जगरावा पुल दे उत्ते सरकारां नूं लै के वध रही महंगाई दे विरुद्ध प्रदर्शन किया, जिस दे विच उन्हां दे कई वर्कर ते लीडर शामिल होए। लो जी, हाँ जी शाह जी, पहले तुसी अपना नाम दसो। मैं MS भाटिया, सकत्तर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लुधियाना शहरी। अज असी खब्बियां पार्टियां दे सद्दे ते देश भर विच जो 25 मई तो 31 मई तक हफ्ता मनाया जा रहा है, जो कि बेरोज़गारी और महंगाई के खिलाफ सारे देश विच मनाया जा रहा है, उस दे हिस्से वजों असी इत्थे इकट्ठे होए हैं। खब्बियां पार्टियां वालों और मोदी सरकार वालों जो नीतियां अपनाइया गई हैं, जिस दे सिट्टे वजों लगातार बेरोज़गारी और महंगाई बेतहाशा वध रही है, उस दे खिलाफ़ प्रदर्शन करने लई शहर के वख वख हिस्सों विचों साडे साथी इत्थे इकट्ठे होए ने। ये पक्का ही कित ही है कि महंगाई तो सारे वर्ल्ड में वध रही है, इंडिया में उन्नी महंगाई नहीं वध रही जिन्नी कि होर देशों में वध रही है, ये बारे तुसी कुछ बोलूंगे? महंगाई सारे देशों में वध रही है, ये कोई शक नहीं, लेकिन इस महंगाई की मार सिर्फ गरीबों नूं पैंदी है। अगर तुसी देखो तो अमीर लोग जिहड़े कारपोरेट है उन्हां दी आमदन जिहड़ी लगातार इस महंगाई दे विच वी वध। बिल्कुल ठीक है कि महंगाई जिहड़ी हैगी आ सिर्फ गरीबों नूं नहीं, मध्यम वर्ग नूं भी सहनी पैंदी है। मध्यम वर्ग इस करके है कि वो लोग बोलते नहीं, वो दोनों जी काम करते हैं और इस करके वो अपने स्टैंडर्ड रखने के लिए इस महंगाई नूं छुपा के रखते हैं। तुसी देखो कि जो उज्वला दे अगेंस्ट चुल्हे दिते गए सी और सिलेंडर दिते गए सी, उहनां चों बहुत सारे लोग तकरीबन अद्धी जनता अज उस सिलेंडर नूं दोबारा नहीं भरा सकती। 1000 तो उपर उस सिलेंडर की कीमत हो गई है और वह लोग दोबारा फिर लकड़ां ते आ गए ने। इस तरह का हालत महंगाई ने करता है। सरों का तेल जिहड़ा 100 रुपये लीटर हुंदा सी वह तकरीबन 200 रुपये लीटर हो गया है, और होर भी जो दालां देख लो, किसी भी चीज़ का भाव देख लो, जिस स्पीड के नाल वध रहा है। लोगों का पैसा, जो पेंशनर लोग सी उन्होंने अपनी कमाई बैंकों के रखी सी कि व्याज नाल वो चलाएंगे, और उन्होंने व्याज कमाने की जगह और वो हुण व्याज बैंकों दे रहे हैं। महंगाई इन्नी ज़्यादा वध गई है कि बैंकों के व्याज तो ज़्यादा महंगाई हो गई है। सो जिन्ना चिर लोग सड़कों पर नहीं आउणगे, इस महंगाई के खिलाफ नहीं होणगे। महंगाई पहला भी वधी सी पर इस तरह नहीं सी वधी कि लोगों की आमदन ना वधे, क्योंकि तुसी देखो कोरोना के दौरान बहुत सारे लोग बेकार होए, बेरोज़गार होए करोड़ों की गिनती दे विच, लेकिन सरकार ने उन्होंने लिए कुछ नहीं किया। सो सरकार का फर्ज बनता है कि जेडे लोग इनकम टैक्स नहीं देंगे उन्होंने घट्टो घट 7500 रुपया महीना उन्होंने दे कि वो अपना गुजारा कर सकन। ये इकोनमी का रूल है, जिन्ना चिर पैसा लोगों की जेब में नहीं आएगा उन्ना चिर लोग किवें खर्चनगे और बाजार किस तरह चलेगा। फैक्ट्रियां जिन्ना मर्जी माल बनाई जान, जिन्ना चिर लोगों से खरीदन शक्ति नहीं होएगी उदा चिर उस माल बनाने का कोई फायदा नहीं, और देश की GDP लगातार जो थले जा रही है होर थले जाएगी। नहीं ये सर रोस प्रदर्शन करूँगा या इसका मेमोरेंडम भी किसी देने? हाँ, पहला ये जी हुन काल सी ये सिर्फ रोस प्रदर्शन है 1 हफ्ते की, इस तो बाद अगों भी जो प्रोग्राम आउणगे उसनों साड़ी पार्टी लुधियाने दे विच पूरी तरह लागू करेगी दूजिया पार्टियां नाल मिलके, और दूसरे लोगों भी जेडे आम लोग ने उन्होंने भी असी जागरूक करांगे, उन्होंने भी लामबंद करांगे। जिहड़ियां सरकार दीयां लोक विरोधी नीतियां ने उहदे खिलाफ असी लगातार लामबंद करांगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू जी। सरकार ने खिलाफ अजोकर के देखा तो सरकार ने लिखिया महंगाई में बढ़ाने के बहुत बड़ा हिस्सा पा रही है। एक पास मोदी साहब थोड़े दिन पहले आप क्योंकि एजुकेशन के इंस्टीट्यूट के जाते हैं तो उसे स्टूडेंट भी देते हैं कि तुम डिजिटल जरा सोच नहीं होगा माल बाहर में भेजा जा रहा है, और दूसरी गल जी सरकार है वो टैक्स इदा के लगा रही है, आप गाँव देते ले लो दूजे से ले लो, चलो खर्चा भी हो गया, खर्चा जानना भी हो गया, महंगा होंगे जा रहे हैं। तरह का
साढ़े जिले के आगू और सत्तर सामने डी बी मौर जिन्हों का उसे गुलजार संदेश रोको ए महंगाई।